जैसे जैसे 2022 नजदीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जोर तोड़ में लगी हुई हैं। सभी को विधानसभा चुनाव ही दिखाई पड़ रहा है कि वह कैसे चुनाव में अपना परचम लहराएं। इसी के दृष्टिगत क्षेत्रीय नेताओं को भी पार्टियां अपने में मिलाने में लगी हुई हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी लोकप्रिय नेता को साथ में लेकर अपनी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। यह सियासी चाल अमेठी में कल देर शाम देखी गई, जब अमेठी विधानसभा के एक बड़े नेता शिव प्रताप यादव, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्होंने बहन जी को झटका देते हुए हाथी की सवारी छोड़ साइकिल की सवारी कर ली। शिव प्रताप ने कहा कि वह सपा मुखिया अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। अखिलेश ऐसे नेता हैं जो गरीबों के लिए सोचते हैं और करते हैं। शिव प्रताप यादव मुलायम परिवार के करीबी लोगों में से हैं। गायत्री प्रजापति की नीतियों से नाराज होकर बसपा के हाथी पर सवार हो गए थे। एक बार फिर शिव प्रताप ने साइकिल की सवारी करते हुए अपने पुराने घर वापसी कर ली है। वहीं सपा के जिला अध्यक्ष छोटे लाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार से जनता ऊब चुकी है, 2022 में बदलाव होने जा रहा है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, अमेठी जिले की चारों सीटों पर सपा का कब्जा होगा। सूत्रों की माने तो अमेठी के कई राजनीतिक दलों के बड़े नेता सपा से टिकट की आस लगा पर्दे के पीछे से ताका झांकी में लगे हुए थे, लेकिन शिव प्रताप यादव ने समय से पहले ही छक्का लगा सबको आउट कर दिया। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। लगभग 6 सालों बाद आपकी सपा में पुनः वापसी हुई है, क्या कारण था, क्यों आपने BSP को छोड़ा और क्या कारण था जो आपको फिर से जो है ज्वाइन करना पड़ा? हम समाजवादी पार्टी में बहुत पहले से थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम काम भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ उस समय के क्रियाकलाप से जो हमारे क्षेत्रीय नेता थे उनसे नाराजगी हुई, जिसके कारण हम बहुजन समाज पार्टी में चले गए और वहाँ से हम प्रभारी रहे, कोऑर्डिनेटर भी रहे। काफ़ी समय तक मैं बहुजन समाज पार्टी में काम किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिसको मुझको नहीं अच्छी लगी, जिनके कारण हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो नीति है, जो कार्य है, जो उनका ईमानदारी और निष्ठा पूरे देश में कायम है, उनसे प्रभावित होकर के पुनः मैं अपने घर में वापसी किया हूं और इसी पार्टी में ही रह करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और अपने जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों के साथ रह करके काम करूंगा। जो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, आदेश होगा, उनके आदेश का मैं पालन करूंगा। शिव प्रताप यादव BRC जो यहाँ अमेठी में यादव के बड़े चेहरे माने जाते हैं, तो ये आज शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये समाजवादी पार्टी में परसों प्रदेश कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के सामने इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। ये बसपा के प्रभारी रहे विधानसभा अमेठी के, और समाजवादी पार्टी को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों और उनके कार्यों से प्रभावित होकर इन्होंने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और समाजवादी पार्टी को अमेठी विधानसभा में मजबूती देंगे। आने वाले समय में 2022 में इस विधानसभा को जिताकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत किया जाएगा और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। क्या लगता है इससे बसपा को कितनी, मतलब सपा को कितनी मजबूती मिलेगी? ये सीट हमारी 100% समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी शिव प्रताप जी के आने से। जो भी हमारे कुछ भाई नाराज रहे उनको सबको जोड़ने का काम और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम शिव प्रताप यादव करेंगे और समाजवादी पार्टी को हर स्तर पर मजबूती देने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने वाले समय में 2022 में निश्चित हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारा प्रयास है कि जनपद